मैं आपको एमआईएल दुर्खीम का एकता का सिद्धांत, लास्ट टाइम मैंने आपको जब दुर्खीम का श्रम विभाजन पढ़ाया था तो मैंने बताया था श्रम विभाजन जो है एक तरह से अधूरा है, अगर इस सिद्धांत को हम ना जाने, इसको पढ़े बिना श्रम विभाजन बिल्कुल अधूरा है। क्योंकि दुर्खीम ने जब अपनी किताब लिखी थी द डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, तो अपने फर्स्ट पार्ट में दुर्खीम ने श्रम विभाजन के सिद्धांत में सबसे पहले एकता की बात कही थी, और इसलिए हम उसे एकता का सिद्धांत या फिर और भी नामों से जाना जाता है, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, बोला जाता है थ्योरी ऑफ यूनिटी इसको बोलते हैं। दुर्खीम कहते हैं समाज में जो एकता होती है ये दो प्रकार की होती है, एक यांत्रिक एकता और एक सावयवी एकता। देखिए दुर्खीम कहते हैं हमारे समाज में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन होता है यांत्रिक एकता से सावयवी एकता की ओर। आपने सबसे पहले आदिम समाज की बात की थी, और जैसे दुर्खीम बताते हैं कि समाज में दो प्रकार की एकता होती है, एक यांत्रिक एकता और दूसरी सावयवी एकता, इसे मैकेनिकल सॉलिडरिटी कहते हैं और इसे सावयवी एकता, ऑर्गेनिक एनालॉजी, ऑर्गेनिक यानी ऑर्गन से कंपैरिजन इसका किया है उन्होंने। तो जब दुर्खीम यांत्रिक एकता और सावयवी एकता की बात करते हैं कि एकता कितने प्रकार की है, दो प्रकार की, फिर इन्होंने अलग अलग इसको डिफाइन किया। सबसे पहले उन्होंने यांत्रिक एकता को बताया और यह भी बताया कि एकता को जानने के लिए हमें उस समाज की, जिस समाज में यह एकता पाई जाती है, उसकी विशेषताओं को जानना जरूरी है। जैसे यांत्रिक एकता का प्रचलन था आदिम समाज में, जब आज जिस युग में रह रहे हैं हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उस प्राचीन काल की बात कर रहे हैं जब मनुष्य जंगलों में रहता था, घुमंतु जीवन यापन करता था, धीरे धीरे उसमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति पनपी और वो चंद कबीलों में, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रकृति से निकट का संपर्क रखे हुए था। तो उस समाज में पाई जाने वाली एकता को दुर्खीम कहते थे यांत्रिक एकता, दूसरी सावयवी एकता। सबसे पहले मैं इसमें फोकस करूंगी यांत्रिक एकता, यांत्रिक मैकेनिकल मैंने इसको इंग्लिश में बोला है, और यांत्रिक को जैसे यंत्र, यंत्र किसे कहते हैं, कोई आपसे बात की यंत्र की, व्हाट इज मशीन या यंत्र किसे कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल, जैसे मोबाइल एक मशीन है, और कोई पेन भी एक मशीन है, टीवी भी एक मशीन है, फ्रिज, कंप्यूटर, फाउंटेन पेन एक मशीन है। हाँ, यांत्रिक एकता मतलब यंत्रवत एकता, वास्तव में टीवी, रेफ्रिजरेटर, कार, मोबाइल फोन, इवन लॉक, ताला जो लगा हुआ है, ये सब एक मशीन है, यंत्र। तो सिर्फ मैं तुम्हें ये मसला समझाने की कोशिश कर रही, यंत्र कैसे कार्य करते हैं, जब हम उन्हें चालू करना चाहते हैं यानी ओपन करना चाहते हैं, मतलब हमारे निर्देशों का अनुपालन करते हैं। मुझे गर्मी लग रही है, मैंने पंखा बंद कर दिया, मेरे को ताला लगाना है, मैं चाबी घुमाई ताला लग गया, फिर जब मुझे ताला खोलना है, ठीक है, ऐसे ही मुझे मोबाइल में संदेश भेजना है तो मैं टाइप करूंगी, जब तक मैं टाइप नहीं करूंगी मैसेज नहीं जाएगा, मतलब उसे मैं ऑपरेट करती हूँ। तो मशीन कहते हैं जिसे कोई व्यक्ति ऑपरेट करता है, समझ गए। यांत्रिक एकता प्राचीन काल में आदिम समाज में व्यक्ति का स्थान नहीं था, समूह का था, समूह को इंपोर्टेंट माना जाता था, व्यक्ति धर्म परंपरा राजा इनके सामने नतमस्तक था। मैंने आपको बताया था अगर राजा कहता था कि अब भार राहत रात हो रही है तो सब यंत्र क्या करता है, अगर मैं कहती हूँ मोबाइल या टीवी ऑन करना चाहती हूँ, या आजकल वो अलेक्सा प्लीज प्ले सॉन्ग, तो वो हमारे कहे अनुसार कार्य करता है, स्मार्ट मशीन है, स्मार्ट डिवाइस है। ऐसे ही प्राचीन काल में लोग, व्यक्ति का महत्व नहीं था, समूह का महत्व था, समूह में धर्म परंपरा और राजा इनके आगे लोग नतमस्तक होते थे, उन्हीं नियमों के अनुसार कार्य करते थे, जैसे मशीन कार्य करती है ना, ऐसे लोग कार्य करते थे। अगर लोग परंपरा या समूह के नियमों का उल्लंघन करते थे तो उनका बहिष्कार कर दिया जाता था, उन्हें समूह से निकाल दिया जाता था।
तो यांत्रिक एकता कहते हैं यंत्रवत एकता, यंत्र यानी जैसे मशीन कार्य करती है उसी प्रकार जैसे प्राचीन काल में थी, व्यक्ति का महत्व कम था और पूरे समूह का महत्व था, सामूहिक इच्छा से लोग बंधे हुए थे समूह के साथ साथ। देखो शब्दों पे ध्यान देना, क्योंकि ये शब्द नेट के जो मेरे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई बार नेट में आता है कि सामूहिक इच्छा की बात कौन करता है, दुर्किम करता है सामाजिक एकता के सिद्धांत में। और वास्तव में यांत्रिक एकता क्या है उसमें आपको ऑप्शन दे देंगे। यांत्रिक एकता का मतलब यंत्रवत, जैसे यंत्र होते हैं, मशीन्स होती हैं, मशीन्स कार्य करती है, उसी प्रकार आदिम समाज में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं था, पूरे समूह का महत्व था, लोग सामूहिक इच्छा से बंधे हुए होते थे। आया समझ में यांत्रिक एकता किसे कहते हैं। दूसरा आता है धीरे धीरे, फिर एमआईएल दुखीम ने बताया, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, समय बदला, जनसंख्या में बदलाव आया, यांत्रिक एकता सावयवी एकता में तब्दील हो गई या बदल गई। यांत्रिक से सावयवी एकता। अब मैं सबसे पहले तुम्हें सावयव, एक वर्ड आया है सावयव, या ऑर्गन्स किसे कहते हैं, ऑर्गन्स, सावयव या ऑर्गन्स, हमारे पार्ट ऑफ बॉडी। देखो हमारे जो बॉडी के, शरीर के जो अंग है ना, इन्हें ऑर्गन्स बोला जाता है, जैसे आंख, नाक, ठीक है, कान, हृदय, लीवर, ये सब ऑर्गन्स हैं। अब बहुत ध्यान से समझना, देखो क्योंकि ये किताब में डिस्क्राइब नहीं किया है जो मैं बताने जा रही हूँ, किताब की लैंग्वेज बहुत अलग है। सबसे पहले तुम्हें मतलब समझ में आना चाहिए व्हाट इज ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक एनालॉजी, यांत्रिक एकता या सावयव एकता किसे कहते हैं। सावयव सिंपल शरीर के अंगों को कहते हैं। मैंने तुम्हें बताया था प्राचीन काल में यंत्रवत लोग कार्य करते थे, यांत्रिक एकता जिसमें व्यक्ति का अस्तित्व कम था और लोग समूह की इच्छा से बंधे होते थे, सामूहिक रूप से कार्य करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब जनसंख्या बदली, मनुष्य के अनुभव, ज्ञान और विचार में वृद्धि हुई और वो समूहवादी से क्या हुआ, अकेला व्यक्ति का महत्व बढ़ने लगा। मैंने कहा ना, मैं, मेरा घर, मेरी कार, मेरे बच्चे, लोग अपने व्यक्तिगत चीजों को महत्व देने लगे, फायदों को सोचने लगे, मैं, मेरे को पद मिल जाए। पहले लोग समूह में कार्य करते थे, समूह के लिए सोचते थे, हमारे समूह को नुकसान ना पूछे। आज व्यक्ति जो है कैसे सोचता है कि मुझे नुकसान ना पूछे, मुझे फायदा मिले, दूसरे को कुछ भी हो डजंट मैटर, मेरे बच्चे अच्छे पढ़े, मेरे को अच्छी सैलरी मिले, मेरे को ऊंचा पद मिल जाए, मेरे पास बहुत अच्छी कार हो। मैं वाली जो प्रवृत्ति आ गई ना, इसमें कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भावनाओं का समावेश होता है। व्यक्तिगत भावनाएं कहते हैं जब व्यक्ति अपने लिए सोचता है, जो भी काम करता है अपने लिए करता है, अपने फायदे के लिए करता है, तो एक तरह से अपने लिए सोचना। तो सावयव कहते हैं शरीर को, जिस प्रकार शरीर के सारे अंग अलग अलग है, आंख देखने का कार्य करती है, कान सुनने का, हृदय से हमारे पूरे बॉडी की कंट्रोल होता है, ठीक है, मस्तिष्क पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, जिस प्रकार हर अंग अलग अलग है, सबके कार्य अलग अलग है, लेकिन सबका अस्तित्व जो है वो शरीर से है। मेरे बात और शब्दों पर ध्यान देना, सावयवी एकता या सावयव की बात कर रही हूं मैं। जिस प्रकार शरीर के सभी अंग अलग अलग होते हैं लेकिन उनका अस्तित्व शरीर से होता है, अगर मैं कहने लगूं हार्ट को अलग करके हार्ट अलग काम कर लेगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। व्यक्ति अलग अलग होते हैं, सबके पेशे अलग अलग हैं, जैसे हम लोग हैं, कुछ छात्र हैं, कुछ नौकरी पेशा लोग हैं, कुछ व्यवसायिक लोग हैं, कुछ किसान हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, मतलब अंगों की तरह सब अलग अलग हैं, सबके कार्य अलग अलग हैं। तुम छात्र हो, तुम्हारा पढ़ने का कार्य, मैं एक प्रोफेसर, मुझे पढ़ाना है, डॉक्टर पेशेंट देखता है, लेकिन उनका अस्तित्व पूरे समाज से है। अंतर संबंध और अंतर निर्भरता बनी रहती है। जैसे शरीर के अंग सावयव, जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, कार्य अलग अलग है, लेकिन उनका जो अंतर संबंध और अंतर निर्भरता है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे मस्तिष्क, मेरे को गर्म पानी में, मेरा ज्यादा गर्म पानी एकदम, मस्तिष्क ने इसको ऑर्डर किया हाथ पीछे, मेरा हाथ, देखो बहुत से लोग जो होते हैं जिन, जो मेंटली डिस्टर्ब हम कहते हैं, या फिर जिनको सेंस नहीं होती, तो उनका हाथ, उनको सर्दी नहीं लगती, कई बार हम देखते हैं वो सर्दी में बिल्कुल ऐसे निर्वस्त्र रहते हैं, हम लगता है इनको ठंडी लग रही, फिर वो गर्मी में बहुत सारे बुलंद कपड़े पहने रखते हैं,
मतलब उनको सेंस नहीं रहते, देखो हमें ठंड लगना, हमें गर्मी लगना, हमें भूख लगना, प्यास लगना, ये हमारे मस्तिष्क कंट्रोल करता है। मुझे करंट लगा, मस्तिष्क ने ऑर्डर दिया हाथ पीछे करो, तब तक करंट लग चुका था, जब तक हाथ पीछे आया हाथ जल चुका था कहीं जलने वाले स्थान पे। तो हमारा पूरा मस्तिष्क हमारे विभिन्न अंगों को कंट्रोल करता है। ऐसे ही हमारी सोसाइटी में सभी लोग अलग हैं, सभी के कार्य अलग हैं, संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, आर्थिक राजनीतिक संस्थाएं अलग अलग बनी हुई है, लेकिन इनका अस्तित्व समाज से है। इनके अंदर अंतर संबंध और अंतर निर्भरता बनी रहती है। तो ऐसी एकता को दुर्गम कहते हैं सावयवी एकता। सावयवी एकता मतलब शरीर के अंगों के समान, जैसे शरीर के अंग अलग अलग है लेकिन उनमें यूनिटी है। जिनमें यूनिटी नहीं होती तो कहते ना इसको व्यक्ति को बीमारी है। भैया यूनिटी तो है कि मेरे आंखों ने देखा, शरीर ने महसूस किया कि बहुत तेज बारिश हो रही है, छतरी खोलो या अपने शरीर को बचाओ, तो ये अंगों की यूनिटी है। ठीक है, पूरे तुम्हारे हल्का सा कट कहीं भी लग जाएगा बॉडी में, पूरा शरीर उस कॉन्सेंट्रेट उस कट पे रहता ना, दर्द हो रहा है। ठीक है, जबकि अंग एक अंग हुआ है तो दूसरों को क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, कई बार जब व्यक्ति की चोट लगती है हार्ट बीट बढ़ जाती है, दिल तेज तेज धड़कता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, जो हमारी सावयवी एकता है वो कहते हैं कि जब अंग सब अंग अलग अलग है लेकिन सबके कार्य अलग अलग है, लेकिन उनके अंदर अंतर निर्भरता और अंतर संबंध, इंटर रिलेशन और इंटर कनेक्टिविटी बनी रहती है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उनका एक दूसरे के बिना अस्तित्व नहीं होता, तो उसे सावयवी एकता कहते हैं। तो दुर्गम कहते हैं प्राचीन काल में जो लोग समूह में बंधे होते थे, यंत्रवत कार्य करते थे, कहीं ना कहीं उनके अंदर अपनी व्यक्तिगत भावनाएं निकलने लगती हैं, वो अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए ही कार्य करते हैं, लेकिन वो पूरे समूह और समाज से जुड़े हुए होते हैं। अब दुर्गम एक प्रकार के कानून की भी बात करता है, जिस समाज में जिस प्रकार की एकता पाई जाती है उस समाज में एक विशेष प्रकार का कानून, जैसे उन्होंने कहा था जब यांत्रिक एकता पाई जाती है जिस समाज में, दमनकारी कानून। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, रिप्रेसिव लॉज को कहते हैं, और ये प्रतिकारी कानून। रेस्टिट्यूटिव लॉ इसको बोलते हैं, दमनकारी कानून और प्रतिकारी कानून। दुर्गम कहते हैं जैसे जैसे समाज में एकता होती है उस प्रकार के लॉस मतलब कानून व्यवस्था उस समाज में पाई जाती है। दमन, क्या साउंड आ रही है इस वर्ड से आप लोगों को, कुछ साउंड आ रही है? दमन व्यक्ति का शोषण आ रहा है ना। दमन मतलब एक तरह से जैसे लोग समूह की इच्छा से बंधे होते थे, कोई अपराध किया जाता था तो उससे समूह का उल्लंघन माना जाता था, सामूहिक इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य माना जाता था। कोई व्यक्ति, देखो व्यक्तिगत कानून नहीं माना जाता था, कोई व्यक्ति जो अपराध करता था तो उससे समूह के विरुद्ध अपराध को बहुत बड़ा माना गया था, तो वहां पे दमनकारी कानून लागू था। प्रतिकारी कानून इसे रेस्टिट्यूटिव लॉ कहते हैं, जब एक व्यक्ति के द्वारा अपराध किया जाता है उसी को दंड मिले, ठीक है, जैसा अपराध वैसी ही सजा, तो उसे कहा जाता है प्रतिकारी कानून। व्यक्ति ने अपराध किया है, व्यक्ति ने चोरी की है, तो वो ही उसको भरेगा, प्रतिकारी कानून, रेस्टिट्यूटिव लॉ। ठीक है, तो दमनकारी कानून यानी पूरे समूह के लिए, प्रतिकारी कानून मतलब व्यक्तिगत स्तर के लिए। तो दुर्गम कहते हैं जिस प्रकार समाज में एकता पाई जाती है, जैसे ये यांत्रिक एकता है तो दमनकारी कानून प्रचलित है, ये सावयवी एकता है तो यहाँ पर ये प्रतिकारी कानून की व्यवस्था पाई जाती है। तो दुर्गम ने अपने सामाजिक एकता के सिद्धांत को अपनी पुस्तक, फिर से एक बार शॉर्ट रिपीट कर देती हूँ, डिविजन ऑफ लेबर एंड सोसाइटी के पार्ट फर्स्ट में बताया था, आपने बताया था एकता दो प्रकार की होती है। आप लोग बहुत अच्छे से डायग्राम बना के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायग्राम बनाना, ठीक है, कि दो प्रकार की होती है, यांत्रिक एकता, सावयवी एकता, इसको डिफाइन करना, ठीक है, अपने शब्दों का इस्तेमाल करना, लेकिन एक समाशास्त्रीय भाषा होती है, उन शब्दों पर ध्यान देना, ठीक है। तो ये है आपका दुर्गम का एकता का सिद्धांत।